हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? तो देखिए, आज का जो आप लोगों का सेशन शुरू होगा वो एक्सरसाइज 10.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब करना ही क्या है, क्योंकि इसके पहले वाला जो है आप लोगों का स्लाइड देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। अगर आप लोगों ने ये जाकर देखा नहीं है और आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अगर देखना हो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, आप जो क्वेश्चन हम फोर्थ देखते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक्सरसाइज 10.1 और थ्योरम वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ हो चुका है। हम लोग अपने एकदम अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। ठीक, तो अपने हम क्वेश्चन नंबर आज फोर्थ को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला जा रहा है इसमें? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बोला जा रहा है ना यहाँ पे, जैसे कोई सर्कल है, ठीक, और सर्कल जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई सर्कल है और यहाँ पे कोई भी टेंजेंट हो, चाहे इस साइड से हो चाहे फिर ऐसे हो, तो यहाँ पे ये जो सर्कल का यहाँ पे जो डायमीटर होगा ना, और इसमें भी यहाँ पे सर्कल का डायमीटर होगा, तो यहाँ पे इस केस में ये जो ये वाली टेंजेंट है और जो ये टेंजेंट है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यही प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि स्टैंडर्ड अपना डायग्राम लेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद चीजों को आगे करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एक क्या करते हैं, सर्कल ले लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, मान लेते हैं ये जो सर्कल का सेंटर है वो ओ है, और ये जो टेंजेंट है ना इसको मान लेते हैं पी क्यू, मान लीजिए, या फिर एम एन, जो भी है, जो भी आप लोगों को सही लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे ये जो डायमीटर है इसको भी बना लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों का ये डायमीटर। ठीक, अब यही प्रूफ करना है, यही आप लोगों को प्रूफ करना है कि यहाँ पे ये जो डायमीटर बनी हुई है, ठीक, ये जो डायमीटर बनी हुई है, बना देते हैं पहले इसको, तब बताते हैं। ये रही आपकी डायमीटर। ठीक, डायमीटर में ना यहाँ पे ये जो डायमीटर है यही दिखाना है कि ये जो पी है और क्यू जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं ना, गिवन लिखते हैं। जब भी प्रूफ करने वाला जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन हमको प्रूफ करने वाला दिखेगा, वहां सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो गिवन में क्या लिखेंगे बाबू, एक सर्कल है। ठीक, इससे पेंटिंग चल रही है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, कोई एक सर्कल है, ठीक, विद सेंटर सर्कल है जिसकी सेंटर क्या है, ओ है, और क्या है, दो टेंजेंट हैं एंड टेंजेंट्स पी है और क्यू है, वो क्या है, आर ड्रॉन तो यहाँ पे P और Q जो टेंजेंट है वो क्या है, ड्रॉ है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे के ऊपर। यहाँ पे ऐसे हम ना C लिख दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर यहाँ पे जो दो टेंजेंट है P और Q हमारी क्या है, वो बनी हुई है। और थोड़ा इसको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए ना हम P और Q को इस साइड लिखेंगे। अब क्या करना है ना, यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। सर ये कैसे होगा बाबू, थोड़ा आपको हम बता देते हैं गिवेन में, और प्रूफ क्या करना है थोड़ा इसको भी लिख लीजिए, तब आगे जो होगा प्रूफ में क्या करना है कि जो पी जो है ना ये क्या है, पैरेलल है क्यू की, यही प्रूफ करना है। तो हम अपना अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, तो टू प्रूफ लिखते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे ये जो एंगल है ये इनका नाम ले लीजिए आप लोग, ये मान लीजिए ये एम है और ये जो है ना ये एन है। हम लोगों ने नाम रख लिया, तो यहाँ पे यही है
ये जो है एंगल, ये हो रहा था, बात हो रही थी कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होंगे, ये कैसे होंगे? तो इन इन इनका मतलब ये 90 डिग्री एंगल होने का जो रीजन है, सबसे पहले ये आप लिखिए कि एंगल एम जो है इज इक्वल टू में एंगल एन है, वो क्या है बाबू? तो 90 डिग्री है, एंगल एम जो है एंगल एन के 90 डिग्री के बराबर है। इसके पीछे रीजन क्या देंगे? रीजन ये देंगे कि ये जो है रेडियस जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट पर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये चीज लिखेंगे, रेडियस, रेडियस जो होती है ना वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देखिए ठीक, तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप लोग नहीं लिखेंगे ऐसा, ठीक, पूरा आप लोग ऐसे लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब मैं यहाँ पे मतलब तो टाइम बचाने के लिए इतना ही लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो रेडियस होंगे ना वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, होंगे यहाँ पे टेंजेंट पर, ठीक, वो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर। ये तो रही बात इतनी, ठीक। अब हम ना ये क्या करते हैं कि जब ये जो एंगल जो है वो 90 डिग्री और 90 डिग्री होंगे, तो इस केस में हमको मिलेगा क्या? इस केस में हमको मिलेगा क्या, ठीक। तो मान लीजिए ये अगर 90 डिग्री है, ये एंगल जो 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, स्वाभाविक सी बात है। और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक। अब इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि आप लोगों ने एक पढ़ा थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक। तो वहां पे एक जैसे कि कोई भी ये एंगल, ठीक, और ये एंगल आपस में अगर इक्वल होते हैं ना, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होती है, अगर ये और ये एंगल आपस में इक्वल है ना, तो इनके ये जो और ये वाली जो लाइन होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरम, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इसके बाद। 9th की सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक, 10th कंप्लीट होने के बाद, फिर इसके बाद 11th 12th भी बाद में होगा, ठीक। तो यहाँ पे यही है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो ये जो लाइन्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, और अगर ये लाइन्स, और एक थोड़ा थ्योरम ये भी है, अगर लाइन्स पैरेलल है तभी ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एक एक थ्योरम, ये थ्योरम तो ये है, और इसका रिवर्स जो है ये है, ठीक। मतलब ये क्या है कि ऐसे ही और कई सारे होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, ये जो लाइन पैरेलल है तो इनके जो अपोजिट वाले एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। एक ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला जो एंगल होता है ना, इस वाले के एंगल के इन दोनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे तीन चार जो थे आप लोग को 9th में पढ़ाया गया है, ठीक, तो वो वहां से आप लोग पढ़े होंगे। और एक ऐसे और भी होता है कि जैसे ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ये आप लोगों की प्रश्न है आज के लिए, ठीक। तो ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस वाले केस में क्या करेंगे, इनका नाम क्या है वो बताएंगे आप लोग, ठीक। तो यही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ये सब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे आप लोगों को जो समझाने थे, ठीक, तभी आप लोग क्वेश्चन को समझ पाएंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एग्जैक्टली ये पता होना तो चाहिए ना, मतलब वहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और क्वेश्चन ये समझ में आ जाए कि पूछ क्या रहा है, तब तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक। तो इस केस में यही था कि यहाँ पे जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये क्या लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, नाम एक और अलग देते हैं, ठीक। मान लीजिए ये हो गया, टी ले लीजिए, एस ले लीजिए, आर ले लेते हैं, ठीक। अब ना यहाँ पे आर एम एन एंगल जो आर एम एन है, एंगल जो आर एम एन है वो क्या कर लेते हैं? इक्वल करेंगे हम लोग किसके? तो एम एन क्यू के, एंगल एम एन क्यू के ये 90 डिग्री होंगे, और रीजन क्या देंगे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या होंगे? इनके
ये क्या होंगे, अपो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक। तो इससे हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, इससे हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो की है ना वो क्या है, पैरेलल है क्यू के। यही तो प्रूफ करना था, और यही ये हमको, अगर ये जो अल्टरनेटिंग जीरो एंगल है अगर ये दिखा देंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा कि हाँ ये जो लाइन पैरेलल होंगी। और मतलब ये चीज थोड़ा एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इक्वल उसी के केस में होंगे ना, जब यहाँ पे ये और लाइन पैरेलल होंगी, ठीक। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप लोग यहाँ पे ऐसे हम बना हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है ना और ये वाला एंगल है, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये दोनों क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। और यहाँ पे पैरेलल नहीं होती है, मान लीजिए ये 90 डिग्री हमारे पास बता रहा था और ये हमको मन नहीं पता है, मान लीजिए ये 100 डिग्री है, तो क्या इस केस में ये लाइन पैरेलल होगी, नहीं होंगी बाबू, यही बस समझाना चाह रहे हैं हम, ठीक। तो एग्जाम्पल लेकर मैंने आप लोगों को ये चीज बढ़िया से समझा दिया, ठीक। तो अब हम ना अपने आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आगे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया है, ये प्रूव हो चुका है आप लोगों का, ठीक। अब जो है हम नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसका क्या कर लेते हैं ना, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल ले लेंगे हम, ठीक। और उसके बाद चीजों को समझाते हैं हम कि क्या बोला जा रहा है, क्या करना है पूरा यहाँ पे। यहाँ पे एक बार हम डायग्राम पूरा बना ले तो आप लोग, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल लिया, ठीक। और सर्कल पे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक। अब पूरा क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। प्रूव ये करना है कि जो भी परपेंडिकुलर होंगे ना वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे ये जो टेंजेंट्स के ऊपर, मतलब ये जो ये होता है ना यहाँ पे सर्कल से ड्रॉ होता है एक, ये जो रेडियस होता है, ठीक, जो परपेंडिकुलर, यहाँ पे वही बता रहा है कि यहाँ पे टेंजेंट के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। और यही प्रूव करना है कि ये जो सेंटर है ना ये हमारे पास होंगे सर्कल से, जो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किए जाते हैं ना वो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास होने चाहिए, यही आप लोगों का प्रूव करना है, ठीक। तो यहाँ पे एक बात बताइए, क्या जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा क्या वो इसी साइड से परपेंडिकुलर होगा, बस सर्कल से ही होगा? हमको तो ऐसा तो नहीं बोला है ना कि मतलब ये बताइए कि सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो आप लोगों की क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये जो सर्कल का जो ये रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, ऐसा कुछ थ्योरम है नहीं। थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये सेंटर से पास होना चाहिए जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर, ये टेंजेंट के ऊपर, जरूरी थोड़ी ना है कि ये अंदर ही हो, बाहर भी तो हो सकता है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे और ये है टेंजेंट और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये सर्कल का रेडियस भी होगा और इस साइड भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है ना। तो ये रहा आप लोगों का मतलब फिगर, ठीक। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो टेंजेंट है वो क्या है, पी क्यू है, ठीक, और ये जो सेंटर है ये ओ है, ठीक। और इसको यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सी मान लेते हैं, ठीक। और ये वाला जो है इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ठीक। अब थोड़ा ना इसको हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं थोड़ा कि इसमें करना क्या है, ठीक। तो आप लोग